तो गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट का यदि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट हो गया, आपके नंबर पे टू फैक्टर नंबर पे लगाता है वो नंबर गुम हो गया, तो आप कैसे अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और कैसे टू फैक्टर को ऑफ कर सकते हैं, वही आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। यदि आपको फेसबुक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैसे ऑफ कर सकते हैं, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो कैसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं हम कि आपको नेम तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि यदि आपको मोबाइल रीसेट हो जाता है और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप चला जाता है तो आप कहीं भी अपने अकाउंट को सर्च मार लीजिए अपने मोबाइल से तो आप उसका नेम पूरा पता नहीं कर सकते हो, तो आपको नेम पूरा पता होना चाहिए। और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, वो आपको सब बताने वाले हैं। विदाउट डेट ऑफ बर्थ कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से ही कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसा क्या प्रोसेस है, कैसे आप टू फैक्टर को ऑफ कर सकते हैं। किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा, यदि आपने स्किप करके देखा तो आप बाद में मत कहना कि वीडियो मुझे समझ में नहीं आया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके अकाउंट पे इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा होगा, इंटरफेस आ रहा होगा। यदि आप ब्राउज़र पे लॉगिन करते होगे तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आता होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि मैंने परेशानी हो रही पे क्लिक किया, फिर मतलब कि आई डोंट हैव या परेशानी हो रही पे क्लिक करोगे, फिर हमसे कॉन्टैक्ट करो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड आई डी का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जी मेल एड्रेस एंटर करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली से जी मेल एड्रेस को एंटर कर देना है। आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आता, एक अकाउंट पर दो अकाउंट में समझ में नहीं आता, तो मैंने कम से कम तीन अकाउंट का टू फैक्टर ऑफ करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तीनों अकाउंट्स का यदि आप देखोगे तो आपको 100% ही समझ में आ जाएगा कि कैसे टू फैक्टर को ऑफ करते हैं प्रोसेस। तो आपको यहां से आईडी कार्ड का इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको इसे यहां से नेशनल आईडी कार्ड या राष्ट्रीय आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है और यहां पे अपना आईडी कार्ड को सबमिट कर देना है। स्कैन जैसे इसमें दिख रहा है हाथ में लेके आपको स्कैन करना है अपने आधार कार्ड को, तो यहां से आप आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आएगा, एक्सेस लिंक आएगा। तो आपको इस एक्सेस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको उसी ब्राउज़र में इस एक्सेस लिंक को सर्च मारना है जिस ब्राउज़र में आपने अभी आईडी कार्ड को सबमिट किया है। तो आपको उसी ब्राउज़र में जाना है, इस एक्सेस लिंक को पेस्ट मारना, पेस्ट मारने के बाद सर्च मारोगे तो आपको लॉगिन टू अनदर अकाउंट करके मांगेगा। जैसे कि अभी एक्सेस लिंक सर्च हो रहा है तो सर्च होने दीजिए, तो यहाँ पर फिर से लॉगिन करने को मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपना जी मेल एड्रेस एंटर कर देना है, यदि आपका जी मेल एड्रेस था अकाउंट में जी मेल एड्रेस है तो जी मेल एड्रेस एंटर कर देना, यदि ऐड नहीं है तो यहाँ पर वो कर देना अपना नंबर ऐड कर देना। और पासवर्ड में आपको क्या एंटर करना था, तो पासवर्ड में आपको एक फेसबुक के जो मेल आया है उसमें पासवर्ड करके एक होता है, एक एक्सेस लिंक होता है और एक मेल में पासवर्ड होता है, तो आपको पासवर्ड में वो पासवर्ड एंटर करना हो। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख चुके हो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपका ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से ये देखिए फर्स्ट अकाउंट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुली ऑफ हो चुका है। यहाँ पर ये अकाउंट लॉक पड़ा है 25 जून से, तो नेक्स्ट वीडियो में लॉक वाला ही वीडियो कैसे अनलॉक वो बताएंगे। तो यहाँ से आप सेकंड अकाउंट देख लीजिए, यहाँ पे ये सिक्योरिटी की वाला प्रॉब्लम फर्स्ट अकाउंट पे था, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप लॉस्ट हो गया था, मोबाइल से डिलीट हो गया था, मोबाइल रीसेट हो गया। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी की, इस पर सिक्योरिटी की लगी थी, ये सिक्योरिटी की भी लॉस्ट हो गई इस बंदे से। और इस पर देख सकते हैं तो आप स्टाइलिश नेम है, तो यहाँ पे स्टाइलिश नेम है लेकिन इसको डेट ऑफ बर्थ आप इसको पता नहीं था, नेम इसको सही से पता था। तो इसका अकाउंट का प्रोसेस, इसका अकाउंट जैसे कि आपको मैंने बताया कि यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तब भी मैं कर सकता हूँ, बट आपको नेम एक्यूरेट पता होना चाहिए, नेम आपको बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट हो जाते हैं, आपको मोबाइल रीसेट हो जाता है, आपकी सिक्योरिटी की डिलीट हो जाती है, तो आपको फाइंड माई अकाउंट पर यदि आपका एक्सेस नहीं है मोबाइल में तो आप नेम किसी भी प्रकार से पता नहीं कर सकते हो। तो आपको नेम आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए करेक्ट क्यू रेट। तो आपको यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट सकते अपना आईडी कार्ड सबमिट कर देना। जैसे इस प्रकार से इस पर भी मैंने आईडी कार्ड को सबमिट किया है, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको आईडी कार्ड को सबमिट कर देना है। यदि आपका नेम डेट ऑफ बर्थ सब मैच है आपके अकॉर्डिंग, उसके पास आपके पास आईडी कार्ड भी है, तो आपको आईडी कार्ड को सबमिट करके आपको इस प्रकार से आपको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको मेल आएगा, तो मेल आने के बाद आपको सिंपली से फिर से इस मेल को जैसे इस एक्सेस लिंक को कॉपी करना है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर से आपको उसी ब्राउज़र में जाना है जिस ब्राउज़र में आपको क्या किया था, आपने आईडी कार्ड को सबमिट किया था। ठीक है, आपको मैंने एक नहीं दो अकाउंट पे तीन अकाउंट पे प्रोसेस करके क्यों बताता हूँ, हर वीडियो में एक नहीं दो अकाउंट तीन अकाउंट पे प्रोसेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको यदि एक से समझ में नहीं आता है तो दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं समझ में आता तो तीसरे से आएगा, तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। पासवर्ड में आपको मैं अभी भी बताऊं, पासवर्ड में आपको वहाँ पे जीमेल में आपको जीमेल एंटर करना है, पासवर्ड में आपको ये पासवर्ड एंटर करना है जो आपको फेसबुक की तरफ से मेल आएगा उसमें जो पासवर्ड दिया रखा है, उसमें पासवर्ड में आपको ये पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेव ब्राउज़र पर ऑप्शन आएगा और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे टर्न ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करना है, और फिर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कुछ लोडिंग हो रहा है, कुछ लोडिंग होने के बाद यहाँ से आपका अकाउंट यदि लॉक नहीं होगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, यदि लॉक होगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा लॉक वाला, जैसे कि ये अकाउंट भी लॉक पर पड़ा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर का ऐप भी सिक्योरिटी की भी नहीं थी इसके पास और ये लॉक पर भी पड़ा है। तो इसको अनलॉक करने का वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में ये अनलॉक करने की प्रोसेस भी बताएं। अभी आप ये नेक्स्ट अकाउंट देख लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, मतलब कि टेक्स्ट मैसेज प्रॉब्लम ये है कि इस पर जो नंबर ऐड था टू फैक्टर में वो नंबर इसके पास है नहीं, वो नंबर इसका डिलीट हो गया है, मतलब कि लॉस्ट हो गया है, मतलब कि वो नंबर इसका खो गया है, वो सिम खो गई है। तो यहाँ पर भी इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर मैंने ऑफर को इसको दे दिया, बट मैं आपको अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ कि पर्सनली हेल्प के लिए, पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूँगा, पर्सनली आपका अकाउंट ओपन करके आपको दूंगा तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, हमारा टीम वर्क है तो आपको चार्जेस पे करने के, पर्सनली हेल्प के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिए। मैंने आपको प्रोसेस करके आपको बताई दिया, एक नहीं दो नहीं तीन अकाउंट को आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर टू फैक्टर ऑफ करके दिखाया है, गूगल ऑथेंटिकेटर वाली प्रॉब्लम भी, सिक्योरिटी की वाली प्रॉब्लम भी और नंबर पर कोड जाने वाली प्रॉब्लम भी, मतलब कि ये टू फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के टू फैक्टर को ऑफ करके मैंने बताया है आपको। तो इस प्रकार से आप तीन कोई भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे नंबर पर कोड जाने वाली, चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर वाली या फिर सिक्योरिटी की वाली, तीनों प्रकार के टू फैक्टर को आप इस प्रकार से ऑफ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक्सिस लिंक को आप पहले सर्च मारना है, सर्च मारने के बाद आपको फिर आपको लॉगिन टू अनदर अकाउंट पर जाना है, आपको जीमेल एंटर करना है और पासवर्ड में आपको फिर वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मेल पर आपको फेसबुक की तरफ से जो मेल आया है उसमें वो पासवर्ड दिया रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप वो पासवर्ड एंटर करोगे, सेव पर क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली सेव ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, सेव ब्राउज़र के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका गूगल आपको टू फैक्टर ऑफ हो जाएगा, फिर आपको सिक्योरिटी की वाला हो या फिर टेक्स्ट मैसेज वाला हो या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वाला हो, कोई सा भी टू फैक्टर हो आपको सक्सेसफुली ऑफ हो जाएगा। तो आप देख, मैंने आपको लाइव तीन अकाउंट का टू फैक्टर ऑफ करके दिखाया है, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको नेम पता है तो आप इजली से आप खुद ही अपना टू फैक्टर को ऑफ कर सकते हैं आईडी कार्ड सबमिट करके। यदि आपको नेम अकेला पता है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट पर्सनली हेल्प के लिए आप चार्जेस पे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।